आज हम सीबीएसई क्लास 12 बैंकिंग का यूनिट फर्स्ट टॉपिक का नाम है बैंक लॉकर। तो बैंक लॉकर के बारे में आपको उसकी मीनिंग, बैंक लॉकर के क्या यूज है, किसी भी कस्टमर को यदि बैंक लॉकर की फैसिलिटी चाहिए होगी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 12। और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी जो बैंक से लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं, तो उनके वो इस वीडियो को देखकर ये पता चलेगा कि लॉकर फैसिलिटी के लिए बैंक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसके लिए बैंक का क्या प्रोसीजर है और क्यों लोग अपने घर की तुलना में बैंक में जो भी वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको रखना बैंक में ज़्यादा सेफ समझते हैं, क्यों बैंक पर वो रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं, क्यों उन्हें ट्रस्ट रहता है कि बैंक में यदि हम ये सब सामान रखेंगे तो वो हमारे घर के कंपेरिजन में ज़्यादा सेफ रहेगा। बैंक इज द सेफेस्ट प्लेस इन कंपेरिजन ऑफ होम। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक में ये बताना चाहूँगा कि बैंक लॉकर की मीनिंग क्या है, मीनिंग के बाद में हम बताएंगे इसके नीड्स एंड अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा मीनिंग ऑफ लॉकर ऑपरेशन। बैंक लॉकर आर सेफेस्ट प्लेस टू स्टोर वैल्यूएबल ज्वेलरी, स्टॉक सर्टिफिकेट, डीड्स एंड अदर वैल्यूएबल। व्हाइल मोस्ट बैंक ऑफर सच ए फैसिलिटी, लॉकर साइज, एनुअल रेंट, डिपॉजिट रिक्वायर्ड, टाइम पीरियड एंड प्रोविजन फॉर रिफंड डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो लॉकर साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना एनुअल रेंट पे करना है। यदि आपने प्राइम लोकेशन के बैंक की ब्रांच पर लॉकर फैसिलिटी ली है तो आपको लॉकर का रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यदि आपने कोई लार्ज साइज का लॉकर लिया है तो उसके लिए आपको एनुअल रेंट ज़्यादा पे करना होगा। स्मॉल साइज के लॉकर के लिए आपको एनुअल रेंट कम पे करना पड़ेगा। डिपॉजिट रिक्वायर्ड, इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में अभी करेंगे। डिपॉजिट रिक्वायर्ड में करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और FD। तो बैंक टू बैंक ये रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड, आपको कितने समय के लिए लॉकर फैसिलिटी चाहिए, मिनिमम एक साल के लिए आप लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं। एंड प्रोविजन फॉर रिफंड डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। ए बॉक्स यूजली लोकेटेड इनसाइड ए बैंक इज यूज टू स्टोर वैल्यूएबल। ए सेफ डिपॉजिट बॉक्स इज रेंटेड बाय द बैंक एंड कैन बी एक्सेस विद कीज, पिन नंबर और सम अदर सिक्योरिटी पास। तो जो मॉडर्न बैंक होती हैं वो कीज के अलावा आपको पिन नंबर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं और कुछ बैंक आपको पास कार्ड प्रोवाइड करते हैं। उसको कार्ड को दिखा करके आप बैंक के लॉकर को ओपन कर सकते हैं। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एंड ज्वेलरी आर प्लेस इन साइड एंड कस्टमर रिलाई ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट दोज वैल्यूएबल्स। तो जो बैंक के कस्टमर होते हैं वो रिलाई करते हैं कि वो अपने घर के कंपेरिजन में बैंक में सामान रखना ज़्यादा सेफ समझते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो बैंक में सामान रखेंगे तो वो घर के कंपेरिजन में सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा। अब आपको हम ये बताएंगे कि बैंक के लॉकर की क्या क्या आवश्यकता होती है कस्टमर को। नीड ऑफ बैंक लॉकर, स्टोरिंग टू मच ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल इन द हाउस एट टाइम्स बिकम ए सिक्योरिटी इशू एंड एन इम्पिडिमेंट इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ए बैंक लॉकर ऑफर्स ए सेफ ट्रस्टवर्थी स्पेस टू स्टोर वैल्यूएबल ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग। तो बैंक में आप अपना सामान एज ए सिक्योरिटी इशू होने के कारण घर में रख नहीं सकते। तो बैंक एक सेपरेट प्लेस है जहाँ बैंक में आपको सेफ्टी भी रहेगी और सिक्योरिटी भी रहेगी, लेकिन बैंक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए या बैंक से आपका सामान चोरी हो जाए तो उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सन हु कैन हैव एबल बैंक लॉकर फैसिलिटी। कौन कौन से कस्टमर हैं बैंक के जिनको बैंक की लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो माइनर होते हैं वो बैंक से लॉकर फैसिलिटी उनको नहीं मिल सकती है। ए बैंक लॉकर कैन बी लीज टू एनी एडल्ट फर्म और एसोसिएशन। लीज वर्ड इसलिए लगाया गया है कि जो बैंक के कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन होता है वो
बैंक के लेसर और लेसी का होता है, और इसी को हम लीज एग्रीमेंट बोलते हैं जो लोकर का एग्रीमेंट होता है, क्योंकि जो लोकर की फैसिलिटी कस्टमर को दी जा रही है उसने वो लीज पर ली है, तो लीज रेंट के रूप में हम एनुअल रेंट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। तो बैंक अपने लोकर को एडल्ट को, फर्म को और किसी भी एसोसिएशन को प्रोवाइड कर सकती है। मोस्ट बैंक इंसिस्ट ऑन सम काइंड ऑफ कोलेक्ट्रल। बहुत सी बैंक ऐसी होती है कि मेन सिक्योरिटी के अलावा आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड भी कर सकती है, इसको हम बोलते हैं कोलेक्ट्रल। सो दे गिव ए लोकर ओनली टू दे एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स और टू दोज हु एग्री टू ओपन एन अकाउंट सेविंग और करेंट अकाउंट। बैंक में या तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए या बैंक में आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा बैंक जो है सेफ्टी के लिए अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी आपसे डिपॉजिट करा सकती है फिक्स डिपॉजिट के रूप में। डेट कवर्ड रेंटल फॉर 3 ईयर्स, जो कम से कम 3 साल का जो रेंट है वो कवर करता हो। और यदि आप बैंक की लोकर फैसिलिटी लेने के बाद में बैंक के लोकर का यूज नहीं करते हैं, कम से कम उसकी मिनिमम टाइमिंग है 1 ईयर, 1 ईयर तक आप बैंक के लोकर को आप ऑपरेट नहीं करते हैं, तो जो ब्रेकिंग चार्ज है तो बैंक क्या करती है आपके लोकर को तोड़वा सकती है यदि आपने 1 साल तक बैंक के लोकर का यूज नहीं किया है। तो जो ब्रेकिंग चार्जेस है और जो रेंट है उसके लिए बैंक आपसे FD बनवाती है, जिससे कि आप रेंट का नेक्स्ट ईयर पेमेंट नहीं करें, या ब्रेकिंग चार्जेस हैं, या बैंक की जो रिपेयर लोकर की रिपेयर्स वगैरह होनी है उसके जो भी चार्जेस हैं, तो वो आपकी जो FD की जो इंटरेस्ट होती है बैंक उससे एडजस्ट कर लेती है। कस्टमर्स और बैंक रिलेशनशिप, बैंक और कस्टमर के बीच में लोकर फैसिलिटी लेने के कारण कौन कौन सी रिलेशनशिप हो जाती है। जब बैंक और कस्टमर के बीच में लोकर एग्रीमेंट होता है तो बैंक और कस्टमर के बीच में लेसर एंड लेसी का रिलेशनशिप होता है। तो कस्टमर इज द लेसर एंड बैंक इज द लेसी। द बैंक डू नॉट नो व्हाट इज केप्ट इन द लोकर, सो दे डू नॉट वॉन्ट टू कंपनसेट इफ द कंटेंट ऑफ द लोकर गो मिसिंग, क्योंकि बैंक जानती नहीं है लोकर के अंदर में आपने क्या सामान रखा है, और बैंक उसकी डिटेल भी आपसे नहीं मांगती है, और आपको वहाँ बैंक को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। जब बैंक को ये नहीं पता कि आपने लोकर के अंदर में क्या सामान रखा है, यदि लोकर के अंदर सामान मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो बैंक उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, और बैंक के लिए आप किसी भी तरीका से कोर्ट में लीगल केस नहीं कर सकते। बैंक लोकर चार्जेस। द रेंट ऑफ द लोकर में वेराई फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच लोकेशन। द लोकर रेंट इज हायर इफ द ब्रांच इज लोकेटेड इन ए प्राइवेट कमर्शियल एरिया ऑफ द सिटी। मोर ओवर प्राइवेट एंड फॉरन बैंक चार्ज ए मच हायर रेंट कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। इफ यू डिसाइड टू क्लोज योर लोकर इन मिड ईयर, इन मोस्ट केसेस यू फोरगो द एनुअल रेंट विच यू पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बैंक के जो लोकर के चार्जेस होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि ये डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर में, यदि आपने प्राइम लोकेशन की ब्रांच पर ये फैसिलिटी ली है तो उसके लिए आपको चार्जेस ज्यादा पे करना होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चार्जेस हैं उनको में भी आप देखेंगे तो उनमें भी आपको डिफरेंस पाया जा सकता है। और यदि आपने मिड ईयर में ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है तो भी आपको पूरी 1 साल का किराया पे करना होगा, क्योंकि पूरी 1 साल का जो एनुअल रेंट होता है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही कस्टमर से चार्ज कर दिया जाता है। प्रोसेस फॉर हायरिंग बैंक लोकर। यदि आपको बैंक से लोकर चाहिए तो आपको उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया अब मैं आपको बताता हूँ। इन ऑर्डर टू रेंट ए सेफ डिपॉजिट वॉल्ट यू मस्ट फर्स्ट हैव ए सेविंग अकाउंट विद द पर्टिकुलर बैंक। सम बैंक मे ऑल्सो आस्क यू टू डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट एज कॉशनरी डिपॉजिट मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो कुछ बैंक ऐसी होती है कि जो आपसे कुछ समय के लिए FD बनवा कर रख लेती है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में काम करता है। यू हैव टू पे द लोकर रेंट इन एडवांस आइदर फॉर 1 ईयर और मोर डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ द बैंक अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। तो दो तरीका के डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, एक ID और एक एड्रेस प्रूफ। बैंक रिक्वायर ए सिग्नेचर टू बी वेरिफिकेशन, तो आपको सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। कंप्लीटेड बिफोर रेंटिंग आउट ए लोकर, जब आप लोकर का रेंट पे कर देते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज फिल आउट ए सिंपल लोकर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सिंपली एक एग्रीमेंट लेटर पर साइन करना होता है, साइन ए लोकर एग्रीमेंट एग्रीइंग टू अवॉइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, तो
तो उसमें ये डिक्लेरेशन करना होता है कि जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो करेंगे, वो रूल्स आपको मानने आप मानने को तैयार है, एंड पे द डिपॉजिट एंड द रेंट, जो FD है उसके लिए आप अमाउंट पे कर देते हैं बैंक को, और जो बैंक का एनुअल रेंट है वो एडवांस में आप पे कर देते हैं। यू कैन ऑपरेट द लॉकर आइदर सिंगली और जॉइंटली, आप सिंगल हैंड से भी लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं, ये जॉइंटली आप बैंक के लॉकर फैसिलिटी को भी ले सकते हैं, बट ओनली वन की इज अलाउटेड पर कस्टमर। तो आपको दो की नहीं दी जाएगी बल्कि आपको एक ही की दी जाएगी, एंड एनोदर की रिमेन विद द बैंक। तो जो दूसरी की होती है बैंक वो अपने पास रख लेती है। अब आपको ये बता दें कि जो एग्रीमेंट है वो किस प्रकार का होता है, एग्रीमेंट में क्या क्या मेन बातें लिखी रहती हैं। तो ये एक HDFC बैंक है जो आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसका हेड ऑफिस तो मुंबई है लेकिन ब्रांच उसका किसी भी एरिया में हो सकता है। तो उसके लिए एरिया का नाम दिया हुआ, रमण रीति वृंदावन, ब्रांच का नाम, हेड ऑफिस का नाम, इसके बाद लॉकर का रेंट, कितने टाइमिंग के लिए आपने लॉकर की फैसिलिटी ली है, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट रखा है, बैंक के लॉकर का नंबर, बैंक का की नंबर जो आपको लॉकर की दी गई है, उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन, कितना आपने अमाउंट पे किया है, सारी बातें लिखी रहती हैं इसके अंदर में। अब हम आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर, आपको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। तो जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है ये RBI की गाइडलाइन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो मेन तो RBI की गाइडलाइन के टर्म्स एंड कंडीशन सबको फॉलो करने होते हैं, उसके अलावा बैंक चाहे तो अपने खुद की इंटरनल गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जा सकती है, खुद का अपना आर्टिकल भी बना सकती है। द सेफ डिपॉजिट वॉल्ट विल रिमेन ओपन ऑन बैंक वर्किंग डेज। तो जो बैंक के जो वर्किंग डेज होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, वो वर्किंग डेज होते हैं, उसी में आप बैंक की जो लॉकर की फैसिलिटी है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप सोचें कि संडे है, संडे को आपको बैंक जाना है, आपने बैंक में अपनी ज्वेलरी रखी हुई है या बैंक में आपने अपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, इमरजेंसी आ गई है, कोई गेस्ट हॉलीडे है तो बैंक से आप लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बैंक की जो वर्किंग डेज होते हैं और जो पब्लिक आवर्स हैं उसी में आप लॉकर फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। द हायर सेल हैव नो राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन द लॉकर बट ओनली एक्सक्लूसिव राइट ऑफ यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लॉकर का एग्रीमेंट है वो लीज एग्रीमेंट होता है, तो लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ लॉकर को यूज करने का अधिकार है। लॉकर की जो प्रॉपर्टी है वो बैंक की प्रॉपर्टी है, वो आपकी कस्टमर की प्रॉपर्टी नहीं है। द हायर सेल नाइदर असाइन और सबलेट द लॉकर। तो जो लॉकर लेने वाला कस्टमर है वो इस लॉकर को लेने के बाद किसी अदर पर्सन को असाइन नहीं कर सकता, किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता है। एनी पार्ट और इट नॉट परमिट इट टू बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर द डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट। ज्वेलरी और अदर वेल्यूएबल नॉट सेल बी हायर यूज द लॉकर फॉर द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ गुड्स। यदि कोई एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ गुड्स आपने बैंक में रख दिया है जो एक्सप्लोसिव नेचर का है, विस्फोटक पदार्थ है, तो ऐसी चीजें आप बैंक में नहीं रख सकते हैं, इसको क्राइम माना गया है। और एनी आर्टिकल, यदि कोई इलीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आप बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते हैं, द कीपिंग ऑफ विच इज इलीगल, क्योंकि ये इलीगल माना गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द रेंट इज पेबल स्ट्रिक्टली इन एडवांस। तो जो एनुअल रेंट है वो आपको 1 ईयर का एडवांस में पे करना पड़ता है, मिनिमम 12 मंथ। इफ द रेंट ड्यू इज नॉट पेड इन ड्यू कोर्स द बैंक रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज एसेस टू द लॉकर। यदि आप रेंट का एडवांस पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपको लॉकर देने से इनकार कर सकती है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट द बैंक में आफ्टर इशूइंग ए रजिस्टर्ड नोटिस गिविंग 1 मंथ टाइम एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द हायर ब्रेक ओपन द लॉकर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द कंटेंट एंड मे रिमूव द कंटेंट टू अनदर सेफ एंड और द बैंक इज ए लिबर्टी ऑफ टू एक्शन All or any part of the goods toward the area of the rent and also toward the cost of breaking and safe and repair. Hire will have no right to complain against the said procedure or to question the list of content made by the bank. So payment आपको advance में देना ही है। यदि आपने advance payment नहीं किया, 12 महीने निकल गए, next year आपका चालू हो गया, तो bank आपको क्या करेगी, 1 महीने पहले आपको notice दे देगी। यदि आपने 1 महीने के नोटिस पे भी रेंट का पेमेंट नहीं किया है तो बैंक आपके लॉकर को ब्रेक कर देगी और जो भी उसमें सामान होगा उसकी लिस्ट तैयार करेगी, और उसके बाद में जब आप अपने सामान को लेने जाएंगे तो सामान बैंक आपको हैंड ओवर बाद में करेगी, पहले ब्रेकिंग चार्ज और लॉकर का जो भी 1 ईयर का रेंट है वो आपसे रिकवर कर देगी। आप बैंक के लिए इसके लिए कोई कंप्लेन
नहीं कर सकते, ये बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन में गिवन होता है जिस पर कस्टमर को सिग्नेचर करने होते हैं। इन केस ऑफ लॉस ऑफ की यदि चाबी खो जाती है बैंक की, तो विदाउट डिले बिना किसी देरी की आपको बैंक में पहुंचना चाहिए। ऑल चार्जेस फॉर ओपनिंग एंड रिप्लेसिंग द लॉकर और की शैल बी पेबल बाय द हायर। तो बैंक क्या करेगी, दूसरी की देगी आपको, दूसरा लॉकर प्रोवाइड करेगी, उसके लिए जो भी चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे वो कस्टमर को बैंक को पे करने पड़ेंगे। द बैंक विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और लॉस टू आर्टिकल इन सेफ कस्टडी एज ए रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ वार और सिविल डिसऑर्डर। इट विल नॉट एक्सेप्ट लाइबिलिटी फॉर एनी लॉस और डैमेज बाय द बैंक। हायर आर एडवाइस टू देयर ओन इंटरेस्ट टू इंश्योर एनी आइटम ऑफ वैल्यू डिपॉजिट इन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर विद द बैंक। यदि किसी तरीका का सिविल वॉर हो जाता है, किसी तरीका का सिविल डिसऑर्डर हो जाता है और आपका जो बैंक में सामान है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टी में टर्मिनेट द एग्रीमेंट ऑन गिविंग 7 डेज नोटिस। द की ऑफ द लॉकर सेल इन सच केस डिलीवर्ड बाय द हायर टू बैंक ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन द डे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द हायरिंग। यदि आपको अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैंक को 7 दिन पहले नोटिस दे देंगे और बैंक को की रिटर्न कर देंगे, जिससे कि बैंक जो है आपके एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देगी। हायर इज रिक्वायर्ड टू कीप द की ऑफ हिज लॉकर इन ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। पासवर्ड इफ एनी गिवन, यदि आपको कोई पासवर्ड दिया गया या की दिया गया तो उसको आप किसी दूसरे अदर पर्सन को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और यदि आप डिलीवर भी करते हैं तो बैंक के बीच में और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसमें उस डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा। एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हायर, यदि आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो आपको तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना होगा और बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद उसके मेन एड्रेस पर आपको कम्युनिकेट करना होगा। द हायर एग्री टू अवॉइड बाय सच रूल्स एंड रेगुलेशन एज द बैंक में फ्रॉम टाइम टू टाइम अडॉप्ट। यदि कोई बैंक की न्यू पॉलिसी आ जाती है जिसमें रूल्स चेंज हो जाते हैं तो जो बैंक का कस्टमर है उसको न्यू रूल्स फॉलो करने होंगे। इन केस वेयर द ओल्ड लॉकर इज रेंटेड टू मोर देन वन पर्सन जॉइंटली एंड वन ऑफ देम विल हैव एक्सेस टू द लॉकर, सच अथॉरिटी इज रजिस्टर्ड विद द बैंक। हायर इज रिक्वेस्टेड टू कीप द की ऑफ हिज लॉकर इन ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। पासवर्ड इफ एनी गिवन टू की, तो जो पासवर्ड दिया गया वो किसी को आप बता नहीं सकते। ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज पर लॉकर इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ लीज। दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड व्हेन द लॉकर इज सरेंडर्ड एंड की देयर ऑफ इज रिटर्न टू द बैंक इन गुड कंडीशन एंड प्रोवाइडेड द हायर डू नॉट ओड द बैंक एनी अमाउंट बाय वे ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अदर चार्जेस। तो जब बैंक का आप पेमेंट कर देते हैं एनुअल रेंट का और की बैंक को आप सरेंडर कर देते हैं तो बैंक का जो लॉकर एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। द बैंक विल हैव द ऑप्शन टू अनाउंस द रेंट ऑफ द लॉकर। यदि बैंक लॉकर का रेंट बढ़ाती है आफ्टर गिविंग नोटिस टू द हायर, तो बैंक आपको नोटिस देगी एंड द हायर विल बी बाउंड टू पे द अनाउंस रेंट। तो जो कस्टमर है बैंक का, हायरर है, तो उसको वो जो रेंट है बढ़ा हुआ वो देना पड़ेगा बैंक को। द हायर सेल हैव नो राइट टू क्लेम रिफंड ऑफ द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन। यदि बैंक के कस्टमर ने मिड सेशन में ही एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और लॉकर की फैसिलिटी विड्रॉ कर दी है तो बैंक प्रोपोर्शनेट रेंट जो है आपको रिफंड नहीं करेगी। इफ द हायर टर्मिनेट द एग्रीमेंट बिफोर द एग्रीड पीरियड। RBI गाइडलाइन ऑन लॉकर्स, अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, लिंकिंग द लॉकर फैसिलिटी विद प्लेसमेंट ऑफ फिक्स और एनी अदर डिपॉजिट बियॉन्ड विच इज स्पेशली परमिटेड इज ए रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बिड। फिक्स डिपॉजिट इज सिक्योरिटी फॉर लॉकर्स। बैंक में फेस सिचुएशन वेयर द लॉकर हायर नाइदर ऑपरेट द लॉकर नॉर पे रेंट। टू एंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट, बैंक में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑप्टेन ए फिक्स डिपॉजिट विच वुड कवर 3 ईयर रेंट एंड द चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी। हाउएवर बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑफ सच फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉकर एंड वेट लिस्ट ऑफ द लॉकर। तो बैंक की ये गाइडलाइन होती है कि बैंक जो है एक वेटिंग लिस्ट तैयार करती है। यदि बैंक के लॉकर फुल हो चुके हैं और कस्टमर की एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो बैंक को एक वेट लिस्ट तैयार करनी होती है, वेटिंग लिस्ट तैयार करनी होती है। ब्रांचेस शुड मेंटेन ए वेटिंग लिस्ट
for the purpose of allotment of locus and ensure transparency in allotment of locus. All application received for allotment of locus should be acknowledged and given a bet list number. Betting list number allot कर दिया जाता है customer को. Bank are also advised to give a copy of the agreement regarding operation of the locus to the locus hire at the time of allotment of the locus. Due diligence. ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है, कस्टमर को हम दो कैटेगरी में रखते हैं. तो एक कस्टमर जो होता है हाई रिस्की वाला कस्टमर होता है और एक हाई रिस्की से कम रिस्की वाले कस्टमर होते हैं. तो हाई रिस्की के लिए हम केवल वन ईयर के लिए ही लोकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं. एक्सप्लोसिव एंड वेपन्स वर फाउंड इन ए लोकर इन ए बैंक ब्रांच. बैंक शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन रेंटिंग सेफ डिपॉजिट लोकर. इन दिस कनेक्शन बैंक शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स. Bank should carry out customer due diligence for both new and existing customer at least to the level prescribed for customer classified in medium risk. If the customer is classified in higher risk category, यदि customer higher risk category में classified किए गए, तो customer due diligence as per KYC norms applicable to such higher risk category should be carried out. इस तरीका से जो भी guideline दी गई है higher risk की customer के लिए, तो वो बैंक के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा. वेयर द लोकर हैव रिमेन अनऑपरेट फॉर मोर देन थ्री ईयर. यदि कोई लोकर तीन साल तक ऑपरेट नहीं हुआ है फॉर मीडियम रिस्क कैटेगरी एंड वन ईयर फॉर ए हायर रिस्क कैटेगरी. एक साल का टाइमिंग दिया गया है हायर रिस्क कैटेगरी के लिए और तीन साल का टाइम दिया गया है आपको जो मीडियम रिस्क कैटेगरी होते हैं उनके लिए. यदि वो तीन साल तक बैंक के लोकर को ऑपरेट नहीं करते, अनऑपरेटेड है बैंक का लोकर, तो बैंक शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द लोकर हायर. तो बैंक जो कस्टमर से कॉन्टैक्ट करती है एंड एडवाइस हिम टू आइदर ऑपरेट द लोकर और सरेंडर इट. या तो वो उसको कंटिन्यू चलाएं या बैंक के लोकर को सरेंडर कर दें. दिस एक्सरसाइज शुड बी कैरिड आउट इवन इफ द लोकर हायर इज पेइंग द रेंट रेगुलरली. यदि बैंक के वो रेंट रेगुलरली पे कर रहे हैं, एनुअली पे कर रहे हैं, तो भी उनको ये जो लोकर का ऑपरेशन है तीन साल के अंदर में और जो हाई रिस्क की कैटेगरी के कस्टमर होते हैं एक साल के अंदर में उनको लोकर ऑपरेट करना कंपलसरी है. बैंक शुड आस्क द लोकर हायर टू गिव इन राइटिंग द रीजन व्हाई ही और सी डिड नॉट ऑपरेट द लोकर. तो बैंक इंक्वायरी कर सकती है उनसे रिटर्न में कि वो बैंक के लोकर का यूज क्यों नहीं करते हैं. बैंक शुड हैव क्लियर प्रोसीजर ड्रोन अप ए कंसल्टेशन विद देयर लीगल एडवाइजर फॉर ब्रेकिंग ओपन द लोकर एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. तो बैंक क्या करती है, जो बैंक का लीगल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट कर सकती है कि उनके जो कस्टमर है उनके लोकर को किस प्रकार से ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़वाया जाए, और तोड़वाने के बाद जो भी उसमें कंटेंट्स होते हैं उसकी एक स्टॉक लिस्ट तैयार की जाती है. लॉस ऑफ लोकर कंटेंट. यदि आपने लोकर के अंदर में सामान रखा है और वो चोरी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी. तो द बैंक विल नॉट रेस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर द कंटेंट केप्ट इन द लोकर बाय द हायर इन केस द थेप बगलरी और सिमिलियर अनफोर्सिन इवेंट एक्शन विल बी इनिशिएटेड एज पर लो. द RBI हैज ऑल्सो सेड दैट इवन इफ द बैंक डू नॉट नो अबाउट द कंटेंट ऑफ द लोकर दे शुड टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट द कंटेंट इन द लोकर. नॉमिनेशन फैसिलिटी. तो नॉमिनेशन का कॉलम भी होता है. जब बैंक में हम लोकर फैसिलिटी लेते हैं तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो ऑप्शन में आपको जो है नॉमिनी का नाम लिखना होता है. इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी और सर्वाइवरशिप क्लॉज प्रोवाइडेड टू द लोकर हायर. द मेजर एडवांटेज ऑफ अवेलिंग दिस फैसिलिटी इज दैट इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ वन ऑफ द जॉइंट लोकर हायर द राइट ऑफ एसेस टू द कंटेंट ऑफ द लोकर डज नॉट ऑटोमेटिकली डेवॉल्व ऑन द सर्वाइविंग जॉइंट लोकर हायर और नॉमिनी अनलेस देयर इज ए सर्वाइवरशिप क्लोज नॉमिनेशन. यदि नॉमिनेशन क्लोज हुआ तो ये फैसिलिटी जो है उसको दी जा सकती है. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये कोर्ट में जाएगा और जो भी लीगल एग्जीक्यूटर या लीगल हायर होंगे बैंक के कस्टमर के उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी. ऑपरेशन ऑफ बैंक लोकर. अब बैंक के लोकर को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है. द लोकर हैज टू कीज. बैंक की लोकर की दो की होती हैं, ओपनिंग द लोकर वन की इज विद द लेसर एंड अदर की विद द बैंक. द लेसी नीड टू विजिट द ब्रांच ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम मेंशन फॉर द लोकर ऑपरेशन.
लेसी बिल साइन द रजिस्टर, लेसी बैंक में जाएगा, रजिस्टर पर साइन करेगा, फिलिंग इन द लोकर नंबर, लोकर नंबर डालेगा, फिर उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिसर है वेरीफाई द सिग्नेचर, तो जो बैंक के रिकॉर्ड में सिग्नेचर होंगे कस्टमर के उस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, यदि सिग्नेचर टेली कर जाते हैं तो ऑफिसर विल टेक द कस्टमर टू द लोकर रूम, तो जो बैंक का ऑफिसर है वो कस्टमर को बैंक के लोकर में लेके जाएगा, और बैंक ऑफिसर विल ओपन द लोकर विद हिज की, तो जो बैंक का ऑफिसर है वो अपनी की से बैंक के लोकर को खोल देता है और वापस रिटर्न अपनी सीट पर आ जाता है, एंड देन लेसर विल ओपन द लोकर विद हिज की टू ओपन द लोकर, बंस द लोकर इज ओपन, जब लोकर एक बार ओपन हो जाता है तो द बैंक ऑफिसर विल लीव द लोकर रूम, तो बैंक ऑफिसर जो है लोकर रूम को लीव कर देता है, एंड द लेसर बिल डिपॉजिट या विड्रो वैल्यूएबल ही वर्ड, तो जो लेसर है जो कस्टमर है उसको जो भी सामान रखना है लोकर में वो सामान रख देता है, या लोकर से जो सामान निकालना है वो विड्रो कर देता है, वंस ही कंप्लीट हिज ट्रांजेक्शन ही क्लोज द लोकर डोर एंड लॉक द लोकर विद हिज की ओनली, यहाँ पर जो ओपन करते समय लोकर के लिए डबल की का यूज होता है, दोनों की का लगने के बाद ही बैंक का जो लोकर है वो ओपन हो सकता है, तो पहले बैंक के जो ऑफिसर है उसको अपनी की लगानी होती है और सेकंड की कस्टमर को लगानी होती है, लेकिन कस्टमर की से ही बैंक का लोकर बंद हो सकता है। द लोकर ऑपरेशन मे वेराई फ्रॉम द बैंक टू बैंक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोकर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलोड बाय द बैंक, तो जो लोकर की फैसिलिटी होती है वो बैंक टू बैंक वेराई करती है। अंडरस्टैंडिंग बैंक लोकर इन 1 मिनट, डायग्राम आपको दिया हुआ है, डायग्राम की हेल्प से आप 1 मिनट के अंदर में बैंक लोकर फैसिलिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम RTGS NEFT के बैंक के रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।